Your Excellency, Prime Minister Albanese, दोनों देशों के delegates, मीडिया के साथियों, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री Albanese का भारत में उनके पहले स्टेट विजिट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले साल दोनों देशों ने प्रधानमंत्रियों के स्तर पर वार्षिक समिट करने का निर्णय लिया था और प्रधानमंत्री Albanese की इस यात्रा से इस श्रृंखला का शुभारंभ हो रहा है। भारत में उनका आगमन होली के दिन हुआ और उसके बाद हमने मिलकर क्रिकेट के मैदान में पे कुछ समय बिताया। कलर्स, कल्चर और क्रिकेट का यह सेलिब्रेशन एक प्रकार से भारत और ऑस्ट्रेलिया की मित्रता के जोश और उल्लास का उत्तम प्रतीक है। फ्रेंड्स, आज हमने आपसी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। सुरक्षा सहयोग हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। आज हमारे बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी और आपसी रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। रक्षा के क्षेत्र में हमने पिछले कुछ सालों में उल्लेखनीय एग्रीमेंट्स किए हैं, जिनमें एक दूसरे की सेनाओं के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल है। हमारी सुरक्षा एजेंसीज के बीच भी नियमित और उपयोगी सूचना का आदान प्रदान है और हमने इसे और सुदृढ़ करने पर चर्चा की। हमारे युवा सैनिकों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाने के लिए हमने जनरल रावत ऑफिसर्स एक्सचेंज प्रोग्राम की स्थापना की है, जो इसी महीने आरंभ हुआ है। फ्रेंड्स, आज हमने विश्वस्त और मजबूत वैश्विक सप्लाई चेन्स के विकसित करने के लिए आपसी सहयोग पर विचार विमर्श किया। रिन्यूएबल एनर्जी दोनों देशों के लिए प्राथमिकता और फोकस का क्षेत्र है और हम क्लीन हाइड्रोजन और सोलर में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पिछले साल लागू हुए ट्रेड एग्रीमेंट एकता से दोनों देशों के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बेहतर अवसर खुले हैं और हमारी टीमें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर भी काम कर रही है। फ्रेंड्स, पीपल टू पीपल संबंध भारत ऑस्ट्रेलिया मित्रता का एक प्रमुख आधार है। हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की परस्पर मान्यता के लिए एक मैकेनिज्म पर हस्ताक्षर किए हैं, जो हमारे छात्र समुदाय के लिए उपयोगी होंगे। हम मोबिलिटी एग्रीमेंट पर भी आगे बढ़ रहे हैं। यह छात्रों, कामगारों और प्रोफेशनल्स के लिए लाभदायक होगा। भारतीय प्रवासी अब ऑस्ट्रेलिया में दूसरा सबसे बड़ा इमिग्रेंट समुदाय है। यह इंडियन कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया के समाज और अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। यह खेद का विषय है कि पिछले कुछ सप्ताहों से ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की खबरें नियमित रूप से आ रही है। स्वाभाविक है कि ऐसे समाचार भारत में सभी लोगों को चिंतित करते हैं, हमारे मन को व्यथित करते हैं। हमारी इन भावनाओं और चिंताओं को मैंने प्रधानमंत्री Albanese के समक्ष रखा और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि भारतीय समुदाय की सेफ्टी
उनके लिए विशेष प्राथमिकता है। इस विषय पर हमारी टीम्स नियमित संपर्क में रहेगी और यथासंभव सहयोग करेगी। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री एल्बनीजी और मैं इस बात पर सहमत है कि हमारे द्विपक्षीय संबंध वैश्विक समुदायों वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और वैश्विक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने प्रधानमंत्री एल्बनीजी को भारत की G20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में बताया और ऑस्ट्रेलिया के सतत सहयोग के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्वाड के सदस्य हैं और आज हमने इस प्लेटफॉर्म पर हमारे बीच सहयोग पर भी चर्चा की। इस वर्ष मई में क्वाड लीडर्स समिट के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं प्रधानमंत्री एल्बनीजी को धन्यवाद देता हूं। उसके बाद सितंबर में G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री एल्बनीजी का फिर से स्वागत करने का मुझे अवसर मिलेगा और मुझे बहुत खुशी होगी। एक बार फिर प्रधानमंत्री एल्बनीजी का भारत में हार्दिक स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी इस यात्रा से हमारे संबंधों को नई गति और मोमेंटम मिलेगा। धन्यवाद।